Students, question number 3 is a very good question. The area of an isosceles triangle is 5 by 4 root 11 cm square. देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा revise कराना चाहता हूँ. बेटा, isosceles triangle क्या होता था? जिसके दो sides equal होते थे, yes or no? ठीक है, और हमने आपको class में isosceles triangle का area का formula पढ़ाया हुआ है, proof भी करके दिखाया है. जिन्होंने video number 1 नहीं देखा है, that is the very important video, उसको आप देखिए, pinned comment में आपको मिल जाएगा, इसी playlist में, correct? Heron's formula class 9th NCERT exemplar के playlist में आपको मिलेगा. तो वहां पर आपको वीडियो नंबर 1 में हमने क्या बताया था, अगर कोई isosceles triangle और इसके equal sides को B से दिखाते थे, याद है, equal sides को किससे दिखाते थे, B से. मैंने बोला था B से ऐसा लगता है कि base, B for base, लेकिन B क्या होता था उस formula में, equal sides होती थी, याद है, ध्यान रखिएगा, गलत मत करिएगा. और base को आप लोग small a से दिखाते थे, yes or no? जब ऐसा फिगर होता था तो इस isosceles triangle का, भाई चेक करिए ना, isosceles तो हो गया, ये वाला साइड इसके इक्वल हो गया, सही, और बेस को ए से दिखाते थे, इक्वल साइड्स को बी से दिखाते थे. तो इसका एरिया जो आता था कितना आता था, याद करिए, इसका एरिया आता था आपका मेरे ख्याल से a by 4 root over 4b square minus a square, yes or no? यही आता था. अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन को पढ़िए. द एरिया ऑफ isosceles triangle इज 5 by 4 root 11 सेंटीमीटर स्क्वायर. True and false आपको बताना है, यानी कि कह रहा है एक isosceles triangle का एरिया कितना होगा, 5 by 4 root 11, और कंडीशन क्या गिवन है, if the perimeter is 11 and base is 5. तो base is 5, यानी कि a का वैल्यू दिया हुआ है, a यहां पर base है ना, तो ये 5 दिया हुआ है, ठीक है, और perimeter आपको दिया हुआ है, ठीक. अब मेरी बात ध्यान से सुनो, perimeter क्या होता है, तीनों sides को हम क्या कर दें, add कर दें, यानी कि b plus b plus a कर दें तो perimeter हो जाएगा. मेरी बात ध्यान सुनो बेटा, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, b plus a, भाई दोनों इक्वल साइड को और बेस को ऐड कर दीजिए तो पेरीमीटर, और ये पेरीमीटर कितना दिया है, 11 दिया है, तो इसको 11 के इक्वल रख दोगे. अब यहां से इक्वल साइड यानी कि b की वैल्यू निकाल लीजिए, चलिए निकालिए, कैसे निकालोगे, देखो b plus b कितना हो जाएगा, 2b, और plus a, a कितना है यहां पर, a कितना है बताइए, 5 है, करेक्ट. देखिए क्वेश्चन में बेस कितना दिया है, 5 दिया है, तो a की वैल्यू 5 रखिए और यहां से आप b की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये 5 उधर जाएगा, 5 माइनस उधर जाके 5 माइनस में हो जाएगा, 11 माइनस 5 6 होता है, 2 उधर जाके डिवाइड लगेगा, b इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 बाय 2, यानी कि कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर. तो मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, ध्यान से सुनो, ये देखिए ये साइड भी कितना आ गया आपके पास, 3 सेंटीमीटर, b की वैल्यू आ गई ना, यानी कि इक्वल साइड्स कितने हैं इसके, 3 सेंटीमीटर. अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, देखिए बच्चे कुछ बोलेंगे, सर देखो कुछ बच्चे मेरे को बोलते हैं और वो सही बोलते हैं, बोलते हैं सर b की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, भाई b कितना आ गया बेटा, 3 सेंटीमीटर आ गया ना, एंड 3 इज व्हाट, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, याद रखिएगा मैथ्स में, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, तो b कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया, ठीक है ना. हां भाई, आना तो चाहिए था, क्यों, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल की बेटा कोई भी साइड का जो लेंथ होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता है. मान लीजिए कि कैलकुलेट करते-करते b कैसा आ गया होता, नेगेटिव आ गया होता, तो हम इस क्वेश्चन को बोलते फॉल्स है, क्यों, क्योंकि जो इन्होंने कंडीशन दी है ना पेरिमीटर वाली, उस पेरिमीटर की हेल्प से b नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ऐसा पेरिमीटर पॉसिबल ही नहीं है, ठीक, एक तो ये बात है. लेकिन अब पेरिमीटर की हेल्प से b कैसा आ गया, पॉजिटिव, तो यहां तक तो इनकी बात ठीक है. अब आपको ये चेक करना पड़ेगा, आपको देखिए b पता चल गया, a उन्होंने दिया हुआ था, अब आप एरिया निकाल लीजिए और अगर एरिया कितना आ जाए, 5 by 4 root 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, तब तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, अदरवाइज ये फॉल्स है, यानी कि सारी कंडीशंस यहां पर ट्रू होनी चाहिए तभी ये ट्रू होगा. पहली बात तो पेरीमीटर वाली कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, मतलब इस पेरीमीटर की हेल्प से जब आप b निकालो तो कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, उसके बाद जब b मिल जाए आपको तो आप एरिया निकालिए, और एरिया अगर इतना आ गया तब तो ट्रू है, और अगर इतना नहीं आया तो फॉल्स है. आइए एरिया निकाल के दिखाते हैं, एरिया का फार्मूला क्या था, a by 4, तो a कितना यहां पर, 5 है, करेक्ट, तो 5 by 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 4 into b स्क्वायर, व्हाट इज b हियर, 3, तो 4 into 3 स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर, a कितना है, 5, तो यहां हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर, करेक्ट, 4 into b स्क्वायर, b कितना था, 3, तो 3 का स्क्वायर, करेक्ट, तो यहां से आ गया, लग तो रहा है आ जाएगा क्योंकि बाहर 5 by 4 है, यहां भी 5 by 4 आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 4 into, हां भाई 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और 9 4 जा 36, 36 माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, ठीक है, तो 5 by 4 स्क्वायर रूट ऑफ 36 माइनस 25, 11, तो लीजिए आपका एरिया भी वही आ गया, करेक्ट. तो दिस इज द जस्टिफिकेशन और द स्टेटमेंट इज ट्रू, ओके, कोई डाउट है बताइए, पीछे आप एग्जांपलर में इसका आंसर देखोगे तो बोलेंगे द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड रीजन देंगे ईच इक्वल साइड इज 3 सेंटीमीटर, है ना, तो हमने भी साइड्स निकाल के दिखा दी, इक्वल साइड्स 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, और वेरीफाई भी कर लिया कि 3 3 और 5 की हेल्प से
एरिया इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, करेक्ट? ओके, कर लीजिए।